टीम की पूर्ति हो रही है और थर्ड बेसिकली बात करें तो फ्रूट से मिले टेबल्स जिससे हमको वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, या एक तरह से कहा जाए तो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता आती है वो हमें उनसे आती है। तो ये तीनों फ्रूट ग्रुप्स में से जब हम एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में फ्रूट जब हम लेते हैं तो वो हमारी बैलेंस डाइट तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि हम खाली सीरियल्स पर डिपेंडेंट हो जाएँ, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या पल्सेस करें, और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के काम चलाएं। तो जो तीनों हमारे बेसिक फूड ग्रुप्स हैं उनमें से जब हम बैलेंस प्रपोर्शन में लेते हैं तो वो हमारी बैलेंस डाइट। तो अब ये तय हम लोगों को करना है कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं उनका बैलेंस जो है यूज़ करें। और क्योंकि ये पोषाहार माह बनाने का एक विशेष उद्देश्य ये भी है कि भारतवर्ष में स्पेशली अगर हमारे राजस्थान की हम बात करें तो महिलाओं में और छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो इसी वजह से है कि हमारी डाइट या तो बैलेंस्ड नहीं है या कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ की मानी के एनीमिया जैसे महिलाओं में विशेष रूप से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आयरन की कमी हमारे अंदर पाई जाती है। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के आप लोग भी सब ग्रामीण परिवारों के बच्चे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत आसानी से आयरन की पूर्ति हम कर सकते हैं। जितनी भी फार्मिंग फैमिली है वहाँ वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं, और पालक है, मेथी है, इवन आपका बथुआ है जो गेहूँ और सरसों में खरपतवार के रूप में आता है, वो रिचेस्ट सोर्स है आयरन का और ईजीली हमारे लिए अवेलेबल है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को डाइट में हम मॉडिफाई करके उनको ऐड करके अपनी डाइट को जो है ज़्यादा न्यूट्रिशन बना सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष चल रहा है, अभी अच्छा जैसे चर्चा कर रहे थे कि बेसिकली हम लोग क्या है ज़्यादातर सभी घरों में गेहूँ की रोटी बनाने का चलन है, मैक्सिमम सबके घरों में गेहूँ की रोटी बनती है। लेकिन आज से 30 वर्ष पहले की बात करें तो गाँव से जो बच्चे हैं आप लोगों की कभी इतनी एज नहीं है, तो कभी अपने मम्मी पापा से चर्चा हो तो पता करना कि जो बाजरे की रोटी या मिस्सा अनाज जो गेहूँ जो चना तीनों को मिक्स करके जो आटा तैयार होता था उसकी रोटी खाई जाती है। अभी सबके घरों में गेहूँ की रोटी का चलन है, या ज़्यादा जल्दी तो कुकर में सिटी लगाई और चावल बनाया और फटाफट खाया, जो डायबिटीज़ इसकी दे रही गेहूँ और चावल, क्योंकि गेहूँ हमारा अनाज नहीं था, हमारे यहाँ तो बाजरा जो चना ये होते थे, पर अब गेहूँ खा खा के डायबिटीज जो हमारी बीमारियाँ हैं वो उन्हीं अनाज होते हैं। तो हम कोशिश करें कि जो हमारे जितने ये माइनर मिलेट्स हैं, बाजरा विशेष रूप से अपने यहाँ बहुतायत में पाया जाता है और खेती हमारे यहाँ पे ज्वार की खेती हमारे यहाँ होती है, तो इन अनाजों को भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे हम जो आजकल भी अलग अलग तरह की बीमारियाँ चल रही है, मोटापा भी अपने आप में एक बीमारी है जिसमें भारत जो है आज की तारीख में सबसे अग्रणी होता चला जा रहा है। पहले मोटापा भारत में जो देखने को कम से कम नहीं मिलता था, अभी आप मतलब पहले की बात मैं अपने ही बचपन की बात करूँ तो मुझे लगता था 30-35-40 साल पहले बच्चों को बड़ा लिमिटेड फूड मिलता था, और ये जितने भी फास्ट फूड थे इनके तो नाम ही नहीं हम जानते थे, ये सब अब आए हैं, ये पिज्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज है, ये हम जब बचपन में थे इनफैक्ट आपकी एज में थी मैं तब भी नहीं थे ये सारे फूड, तो एक लिमिटेड जो डाइट अपनी हुआ करती थी वो हमें मिलती थी। पर अब क्योंकि शायद आर्थिक संपन्नता भी कहीं ना कहीं पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो बच्चों को फैसिलिटीज़ भी है, मनी वाइज भी वो लोग एक तरह से सक्षम है, पेरेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चे लेते हैं, लेकिन उससे हम क्या करें कि वो जो भी हमें टेस्ट में अच्छा लगता जा रहा है चाहे वो जितना भी नुकसानदायक है वो फ्रूट हम सब खाते चले जा रहे हैं, पहले ये सारे फ्रूट हुआ ही नहीं करते थे, तो वो भी एक रीज़न है। तो मोटापा भी जो है एक गंभीर बीमारी है, इसको आप ये मत समझो कि जो मोटे बच्चे हैं वो हेल्दी करते ही हेल्दी नहीं है, बच्चा तो वही फिट है जो दुबला पतला है। मोटापा एक बीमारी है, तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी को कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि माइनर जो गेहूँ और चावल है उसकी बजाय हम बाजरे ज्वार की